जब देखते हैं तो ये महसूस होता है कि भाई कई लोग इस तरह रोमांटिक इमेज के साथ आए और अभी तक उनका नाम जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। जैसे कि 30s में बरुआ साहब थे, KL साइकिल साहब थे, उसके बाद हमारे दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार साहब और दिलीप कुमार साहब, उसके बाद किसी हद तक देवानंद साहब भी रहे हैं, लेकिन फिर जब हम 60s में आए तो हमारी भी बारी आई। तो अलग अलग रोमांटिक हीरो रहे हैं, जैसे दिलीप साहब ज़्यादातर ट्रेजेडियन रहे हैं रोमांस के साथ साथ, और हमारे इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हीरो तो बहुत रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की फिल्मों में, लेकिन रोमांटिक हीरो बहुत कम रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस स्थिति में एक रोमांटिक हीरो की एक स्थिति या एक सिचुएशन में होना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन कुछ हमारे जैसे फॉर्चुनेट लोग रहे हैं या कुछ हमारे जैसे जिनका भगवान का आशीर्वाद भी रहा है, और इस सिचुएशन में इतनी बड़ी जगह प्राप्त करने ये बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन हमने की। वो इसलिए क्योंकि म्यूज़िक, रोमांस, हर चीज़ ने साथ दिया। लेकिन जब जब कोई रोमांटिक हीरो आता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहता है।